111 हो गए विधानसभा में, 111 कैसे पता? हाँ, विपुल गौतम गौरव गौतम और मैं, तीन नहीं है, एक 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 111 है। अच्छा नहीं, तीन 111 हो गए, तीन तो 111। हम दोनों को साथ ही जाना है क्योंकि वो तीसरा हमारा आया नहीं है विपुल गोयल जी, हम 333 है, 111 है वो आया नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर नई सरकार अब अपना कामकाज शुरू कर चुकी है। तमाम मंत्रालय जिनको मंत्रियों का आवंटित हुए वो अपने मंत्रालयों का कामकाज संभाल चुके हैं, उसके बाद वो बैठकें कर चुके हैं और इस समय अपने क्षेत्रों के दौरे पर हैं। क्योंकि त्यौहार नज़दीक हैं, आने वाले दिनों में दीपावली है, तो त्यौहारों को लेकर के तमाम मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनता से मिल रहे हैं। जब से मंत्री बने हैं तब से एक बात चर्चाओं में है, एक तो ये चर्चाएं रही कि किस जिले को किस लोकसभा क्षेत्र को कितना महत्व मिला, और दूसरी बात फिर चल पड़ती है कि नई सरकार बनने के बाद कौन कौन सी नई कंट्रोवर्सीज पैदा हो सकती हैं। हमेशा जब भी होता है सत्ता का, जब भी बंटवारा होता है सरकार के अंदर, जब भी मंत्रालय बांटे जाते हैं तो फिर उसका विवेचन किया जाता है, उसकी समीक्षा की जाती है, उसके अंदर देखा जाता है कि कौन ज्यादा पावरफुल हुआ और किसके पर कतरे गए, उसके अंदर देखा जाता है कि किसकी ताकत बढ़ी और किसकी ताकत घटी। फिर जिन लोगों को मंत्रालय मिलते हैं उसके बाद जब खासकर केंद्र और प्रदेश की राजनीति जब हो, और फिर जब प्रदेश के अंदर सीनियर और जूनियर की राजनीति हो। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको जिक्र करूं, 2014 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब बने और उस समय जब मंत्रालय बांटे गए, जब मंत्रालयों का बंटवारा हुआ और उसके बाद जब मंत्रिमंडल विस्तार हुए, तो अब अंबाला लोकसभा क्षेत्र को अगर देखें, अंबाला लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो रतनलाल कटारिया जी, स्वर्गीय कटारिया वहां के सांसद थे, अनिल विज वहां के सीनियर विधायक थे, और कृष्ण बेदी और नायब सिंह सैनी ये भी अंबाला लोकसभा के विधायक थे। कृष्ण बेदी मंत्री बने, नायब सिंह सैनी मंत्री बने, कटारिया साहब सांसद थे ही और अनिल विज सीनियर मिनिस्टर थे, नायब सिंह सैनी और कृष्ण बेदी राज्य मंत्री थे। और अंबाला के अंदर जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो फिर अनिल विज और मनोहर लाल तक में खटास पहुंच गई, कारण कि जो जूनियर मिनिस्टर थे उस समय के, कृष्ण बेदी खासकर और नायब सिंह सैनी, इनका अनिल विज के साथ कहीं थोड़ा बहुत मनमुटाव रहा और वो मनमुटाव की खबरें मीडिया में भी चलती थी, क्योंकि सभी अंबाला जिले अंबाला लोकसभा से आते थे तो ये फिर बात बड़ी होती थी, और धीरे धीरे ऐसा चलता रहा कि ये कंट्रोवर्सियां बड़ी होती गई, और इन कंट्रोवर्सीज का जो आपसी जो मनमुटाव थोड़े बहुत कहीं थे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पर उसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन पार्टी के अंदर जो आंतरिक मतभेद होते हैं वो कहीं खाई बड़ी भी होती चली गई। मैं आपसे बात कर रहा था नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री पद संभालने की, नायब सिंह सैनी के जो वजीर हैं उनके जो कैबिनेट के मंत्री हैं 13 मिनिस्टर बन गए हैं, संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है बहुत लंबे समय के बाद में कि जब मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के साथ ही सरकार के अंदर जितने पद बनते हैं, जो रेशियो रखा गया है सदस्यता के हिसाब से, यानी कि हरियाणा की 90 सदस्य विधानसभा है उसके लिहाज से 15% मंत्री बन सकते हैं, तो 13.5 मंत्री बन सकते हैं, मामला कोर्ट में भी गया हुआ है ये कि 14 मंत्री बने। खैर, मैं जब आपसे बता रहा था कि पहली बार ऐसा हुआ है बहुत लंबे समय के बाद में कि चाहे नायब सिंह सैनी खुद ही मुख्यमंत्री थे जब वो मनोहर लाल जी के स्थान पर मुख्यमंत्री बने, तो उनकी वजारत के अंदर भी, उनके मंत्रालय त्रिमंडल के अंदर भी जो वजीरों की संख्या काफी खाली थी, मनोहर लाल मुख्यमंत्री हुए तो उनके समय भी कई मंत्रियों की संख्या खाली रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय भी एक पद खाली रहा, ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने तो 9 ही मंत्रियों से काम चलाया। खैर, नायब सिंह सैनी के साथ में 13 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनके अंदर 11 कैबिनेट रैंक और 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जो मैं आपको बता रहा था कि अगर बात चलती है कौन से लोकसभा क्षेत्र को क्या मिला, क्योंकि मैं आपको जो बताने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर, वो कहीं सत्ता के अंदर आने वाली कंट्रोवर्सी का एक पार्ट बन सकता है, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें जिनमें की जो मंत्रालयों का बंटवारा हुआ, जो कैबिनेट और मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री बने, उसके अंदर जो अगर रेशियो देखते हैं तो फिर सबसे ज्यादा फरीदाबाद लोकसभा को मिले 3 मंत्री, विपुल गोयल, राजेश नागर और गौरव गौतम।
फरीदाबाद, तेगांव और पलवल विधानसभा के जो विधायक वो मंत्री हुए। गुरुग्राम लोकसभा से मात्र एक मंत्री बने राव नरवीर सिंह। भिवानी महेंद्रगढ़ से दो मंत्री बने, श्रुति चौधरी और आरती राव, राव साहब की बेटी। अगर अगली जाते हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा तो वहां से भी दो मंत्री बने, खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और श्याम सिंह राणा। अगर आगे देखें तो फिर अंबाला से जो मंत्री बने वो एक बने, अनिल विज साहब। करनाल से दो मंत्री बने, कृष्ण लाल पंवार और महिपाल ढांडा। सोनीपत से एक मंत्री बने, अरविंद शर्मा। तो इस लिहाज से फरीदाबाद को सबसे बड़ा जो शेयर मिला, पार्ट मिला सरकार के अंदर, जो भागीदारी मिली, यानी कि 14 में से 3 मंत्री संसदीय क्षेत्र से। और जो आपको बता रहा था सत्ता की कंट्रोवर्सी, अगर फरीदाबाद की बात करेंगे तो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र जहां से लगातार हैट्रिक सांसद हैं कृष्ण पाल गुर्जर, और मोदी सरकार के अंदर लगातार तीसरी बार राज्य मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी कि केंद्र सरकार के वजीर भी हैं लगातार तीसरी बार। कृष्ण पाल गुर्जर जो पहली बार चुनाव जीते 2014 में, जब 2019 में जीते तो आंकड़ा और बड़ा हो गया। हालांकि 2024 के अंदर वो जो जीत का आंकड़ा तो कम तो हुआ, लेकिन कृष्ण पाल हैट्रिक बनाने में कामयाब हुए। हरियाणा की जो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, उनमें एक कृष्ण पाल गुर्जर की जो तीसरी बार लगातार बनी वो सीट आ जाती है। हालांकि अगर देखें तो तीसरी बार राव इंद्रजीत सिंह भी बने। करनाल की लोकसभा सीट भी लगातार तीनों बार जीती, चेहरे बदले। 2014 में अश्विनी कुमार चोपड़ा थे, 2019 में संजय भाटिया हुए, 2024 में मनोहर लाल हो गए। तो मैं आपसे बता रहा था कि फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र जहां पर कृष्ण पाल गुर्जर मोदी सरकार के वजीर हैं, अगर उनके बारे में एक बात आपसे करूं कि 2014 में भले ही वो जीत का आंकड़ा बड़ा था, देश में मोदी की लहर थी, लेकिन उस चुनाव के अंदर फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन भाजपा का अच्छा नहीं था। उस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीती थी, 3 सीटें कांग्रेस जीती थी, 2 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल जीता था और एक पर बहुजन समाज पार्टी जीती थी 2014 में। लेकिन उस आंकड़े को 2019 और 2024 में कृष्ण पाल गुर्जर के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ उसको बाखूबी संभाला। 2019 के चुनाव में 9 में से 7 सीटें जीत ली थी भारतीय जनता पार्टी ने। 2019 का जो चुनाव हुआ उसके अंदर जो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी और जो 2 सीटें हारी, उन 2 में से 1 फरीदाबाद NIT कांग्रेस को गई और पृथला इंडिपेंडेंट को मिली। इंडिपेंडेंट में बीजेपी के थे और बाद में भाजपा में चले गए। आज पता नहीं वो भाजपा में है इंडिपेंडेंट है, क्योंकि 2024 का आजाद चुनाव लड़ चुके हैं नैनपाल रावत, और उसके बाद में हालांकि नायब सिंह सैनी को बुके देकर के आए थे मुख्यमंत्री बनने पर, जो फरीदाबाद के वजीर बने उनके साथ भी उनकी फोटो वायरल हुई है, लेकिन अभी वो भारतीय जनता पार्टी में तो मैं नहीं कह सकता उनको। खैर, जो सत्ता का बंटवारा फरीदाबाद की बात अगर करें अब 2024 वाली, तो 2024 में भी 9 में से 7 विधायक फिर से भारतीय जनता पार्टी के बने। जो 2 सीट हारी उनमें से 1 हथीन और 1 पृथला। एक सीट तो ऐसी है फरीदाबाद के अंदर NIT विधानसभा सीट, जिस पर कि भारतीय जनता पार्टी जब से वो सीट बनी है पहली बार जीती, सतीश फागना वहां से विधायक बने। कृष्ण पाल गुर्जर के अनुशंसा पर टिकट मिला था सतीश फागना को, कृष्ण पाल के अनुशंसा पर ही टिकट मिला था बड़खल से धनेश अदलखा को, वो भी चुनाव जीते। कृष्ण पाल की अनुशंसा पर ही टिकट मिला था हरिंदर रामरतन होडल से विधायक, और उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान को हरा दिया। और हरिंदर रामरतन के साथ जो चौथा टिकट मिला था कृष्ण पाल जी की अनुशंसा पर, वो हथीन विधानसभा का था। हालांकि हथीन विधानसभा कांग्रेस जीत गई, मार्जिन जरूर घट गया। लोकसभा चुनाव के अंदर जो मार्जिन 50,000 से ज्यादा था वो लगभग 32,000 रह गया। अब जब से हरियाणा के अंदर कैबिनेट के अंदर मंत्री पद बटे और मंत्री पदों का बंटवारा हुआ, उनको जो पावर्स मिली, उसके बाद से फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की चर्चाएं हैं, और चर्चाओं के कारण होते हैं दोस्तों, चर्चा कोई यूं ही नहीं होती है। वजारत मिलने के बाद में जब तीनों मंत्री बने, वजीर बने, विपुल गोयल और इनके साथ में गौरव गौतम और राजेश नागर, तीनों मंत्री बनने के बाद हालांकि तीनों बधाई देने के लिए कृष्ण पाल गुर्जर के निवास पर गए, लेकिन उसके बाद से जिस प्रकार से 111 की बात चल पड़ी, राजेश नागर का सबसे पहला बयान था करतार सिंह भड़ाना जो हरियाणा सरकार के पूर्व वजीर हैं और मनमोहन भड़ाना जिनके बेटे हैं समालखा के विधायक, करतार सिंह भड़ाना के निवास पर राजेश नागर बधाई देने गए थे, तो वहां पर उन्होंने कहा था 111 हो गए विधानसभा में। 111 कैसे पता? हाँ, विपुल
गौतम गौरव गौतम मार में तीन नहीं है, एक 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 111 है। अच्छा नहीं, तीन 111 हो गए। एक और एक 11 होते हैं, लेकिन अगर तीन एक मिल जाएं तो फिर 111 बन जाते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि हम तीन मिल चुके हैं, विपुल गोयल, राजेश नागर और गौरव गौतम, इन तीन को मंत्रालय मिले हैं, तो 111 की पावर बन गई। अगर यही बात कही जाती कि फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में 4 इक्के हो गए हैं, एक इक्का मोदी वजीर का और 3 इक्के नायब वजारत के, तो फिर इसके अंदर कंट्रोवर्सी की बात ना चलती। लेकिन क्योंकि राजेश नागर जी ने कहा कि फरीदाबाद के अंदर 3 मंत्री बने हैं, तो मोदी के वजीर तो पहले से ही फरीदाबाद में थे, अगर इसको साथ जोड़ा जाता तो फिर ये बात और आगे चली जाती। लेकिन जब से राजेश नागर का बयान चला और उसको सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कई जगह उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाया भी गया, राजेश नागर के बयान के बाद कल गौरव गौतम पलवल में जब थे, वैश्य अग्रवाल सभा का कार्यक्रम था, तो उसमें गौरव गौतम ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि 111 3 इक्के। जल्दी जाना राजेश जी को, हम दोनों को साथ ही जाना है, क्योंकि वो तीसरा हमारा आया नहीं है, बोल गोयल जी 333 है, 111 है, वो आया नहीं है। राजेश नागर साथ थे, तो उसके बाद में ये बात और आगे बढ़नी शुरू हो गई, जिस बात का मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि सत्ता के अंदर कंट्रोवर्सी, और जब कई सत्ता के केंद्र बन जाते हैं तो फिर आपस में कहीं ना कहीं मनमुटाव बढ़ते हैं। हालांकि स्पष्ट कर दें कि भारतीय जनता पार्टी को इसका ज्यादा कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जनता के बीच में, ब्यूरोक्रेसी के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में इसका एक संदेश होता है, और वो संदेश जो अग्रेषित अभी हो रहा है, जो वर्तमान का संदेश है, वो तो ऐसा संदेश अग्रेषित हो रहा है जैसे 111 अपोजिट 111, यानी कि एक मोदी के वजीर और 3 नायब के वजीर। भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, सत्ता का केंद्र सभी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, और लगातार ये 5 साल लगभग, क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगभग 5 महीने हुए हैं और प्रदेश सरकार को तो अभी 15 ही दिन भी नहीं हुए पूरे, तो ये सरकार का जो संदेश होगा और मंत्रालयों का जो बंटवारा हुआ उसके बाद में जिस प्रकार से बात चल रही है 111 वाली, और फिर एक सामने आएगा 111, आने वाले दिनों में क्या कोई बड़ी कंट्रोवर्सी ले सकता है? आने वाले दिनों के अंदर क्या सत्ता के कई केंद्र हो सकते हैं? और आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच खासकर इसके क्या संदेश होंगे? कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स आमंत्रित हैं, आपके सुझाव आमंत्रित, जरूर बताएं कि आप हमारी बात से कितना सहमत हैं, 111 वर्सेस 111। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।